ताजा होले वित्रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर दिमाग शांत हो और कोई स्ट्रेस ना हो तो स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सभी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद सफलता हासिल करते हैं। ऐसी ही कहानी है पंजाब के मोगा की रहने वाली रितिका जिंदल की। जी हाँ, रितिका जिंदल के बारे में आज आपको हम बताएंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए यूपीएससी परीक्षा में 88 रैंक उन्होंने हासिल किया और आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा किया। रितिका जिंदल काफ़ी कम उम्र में ही आईएएस बनना चाहती थी। रितिका कहती हैं कि वह पंजाब से हैं जहाँ के बच्चे लाला लाजपत राय और भगत सिंह की कहानियों को सुनकर बड़े होते हैं। वह भी उन्हीं कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी और देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम का चयन किया और आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार रितिका जिंदल ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। आमतौर पर सभी लोग ग्रेजुएशन के समय ही शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी शुरू करते हैं। कॉलेज खत्म करने के बाद रितिका ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी और तीनों स्टेज क्लियर कर लिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में कुछ अंकों से पीछे रह गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम देने का फैसला किया और रितिका ने पहले प्रयास में असफलता के बाद कड़ी मेहनत की, क्योंकि हमें जब एक बार असफलता मिल जाती है तो हम या तो बहुत मेहनत करते हैं या तो हार मान जाते हैं। इन्होंने मेहनत करने का सोचा, 2018 में दूसरी बार यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और रितिका ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया में 88 रैंक हासिल की। आईएएस बनने का अपने बचपन के सपना को पूरा कर लिया और उस समय रितिका की उम्र सिर्फ 22 साल की थी और इस प्रकार से रितिका ने अपना सपना पूरा किया। बहुत ही सिंपल कहानी थी इनकी, लेकिन बहुत कुछ सिखलाती भी है कि किस प्रकार से इंसान तमाम कठिनाइयों का सामना करता है और इसके बाद आगे बढ़ता है, हार नहीं मानता है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर जहाँ पे जिस स्टेज पे आप किसी भी परीक्षा की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, एक बार अगर हार मान गए तो फिर दोबारा से वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी कहानियों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें। तमाम और खबरों के लिए दिन भर हैं हम आपके साथ। धन्यवाद।